मेरे सम्मान में जो घनघोर तालियां आपने दी हैं, जोरदार तालियों से गला हौसला अफजाई कीजिए। हमारे बीच में बेटी रजनी पढ़ रही है दोस्तों, देश की प्रख्यात कवित्री और बहुत अच्छी गीतकार जी। आप बहुत मन से हम सभी को झेल रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल झेल रहे हैं हम सभी को, वरना हमारे तो घर में कोई सुनता ही नहीं है। क्या बात, आप इतना मन से सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपने चेहरे पर खुशी आती है, तो जीवन बेहतर होता है। लेकिन जीवन बेहतरीन तब हो जाता है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश हो जाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आज आप सभी के चेहरों पर मुस्कान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी मेरे वरिष्ठ कवि हैं। मैं इस मंच पर उम्र में भी सबसे छोटी हूँ और काव्य मंचों पर भी सबसे छोटी हूँ। चाहती हूँ यहाँ से आप सभी का खूब प्यार लेकर के मैं दिल्ली जाऊँ, वो प्यार मुझे आपका मिलता रहे। और बस इसी से मैं चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती रहूँगी। तालियों से आपका साथ मिलता रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और माइक वाले भैया, माइक से छेड़खाने मत करना, यह आपके घर की संपत्ति नहीं है, सुन लीजिए। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, सुनेगा आदरणीय शर्मा जी का ध्यान चाहूँगी, सुनेगा। आप सभी जानते हैं कि अभी हिंदू नववर्ष आने वाला है। हम सभी जो अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं वो भूल जाइए, हिंदू नववर्ष का स्वागत कैसे करना है, हिंदी नववर्ष का स्वागत कैसे करना है, चार पंक्तियों से आपको बताती हूँ। स्वागत है भाई। कि महके बगिया सजी डाल स्वागत करो, क्या बात है, दीप अक्षत लिए थाल स्वागत करो, महके बगिया सजी डाल स्वागत करो, दीप अक्षत लिए थाल स्वागत करो, सारी नफरत भुला कर लगा लो गले, सारी नफरत भुला कर लगा लो गले, आ गया है नया साल स्वागत करो, आ गया है नया साल स्वागत करो। और हम यहाँ क्यों आए हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, प्रेम दिल में जगा कर तुम्हारे लिए लाई सपने सजा कर तुम्हारे लिए, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, अपने पावन हृदय में बिठा लो मुझे, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, आई हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए। और एक जी, आपने अभी प्रेम की बात की जी, कि आई हूँ मैं तुम्हारे लिए जी, और दिल में बसा लो जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गंगा जल सी पावन पुनीत लगती हो, और तुम्हें देखकर मेरा मन राम रहीम हो रहा है। अच्छा, तुम मुझे हनीप्रीत लगती हो। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बेलन चिमटा यहीं बैठा हुआ है, फिर भी ये हिम्मत है आपकी। चार पंक्ति निपटा दूं इनको, कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, आवाज मिलती रहनी चाहिए आपकी, कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा लग। चलिए दोस्तों, इनको जवाब दे देता हूँ मैं आप लोगों की तरफ से,
कि तुम मेरी राधा बन जा। पहले हनीप्रीत का जवाब तो सुन लीजिए आप। जी जी स्वागत है। चार पंक्तियों में और निपटाती हूँ मैं इनको, प्रयास करती हूँ। अगर वो बात आपको अच्छी लगे तो बताना मुझे कि आशा राम और हनीप्रीत का राग पुराना छोड़ो भी, कि आशा राम और हनीप्रीत का राग पुराना छोड़ो भी, उम्र की इस दहलीज पे आके इश्क लड़ाना छोड़ो भी, और आयोडेक्स और बाम लगा रातों में सोया करते हो, आयोडेक्स और बाम लगा रातों में सोया करते हो, डेरी मिल्क के मीठे मीठे ख्वाब सजाना छोड़ो भी। स्वागत है आपके जवाब का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी राधा बन जा। हाँ। मैं तेरा घनश्याम बनूँ, ये घनश्याम नहीं। अच्छा। मैं तेरा घनश्याम बनूँ और दिल का कोना कोना। हाँ। मैं तेरे नाम करूँ। अच्छा जी। अब मैं चार पंक्तियाँ फिल्म को देती हूँ कि कान्हा बनने का सपना अब ढक्कन देकर बंद करो, कान्हा बनने का सपना अब ढक्कन देकर बंद करो, प्यार मोहब्बत वाली बातें हमसे ना अब चंद करो, तुम्हें पता है शक्ल तुम्हारे बिल्कुल मेरे भैया जैसी, तुम्हें पता है शक्ल तुम्हारी बिल्कुल मेरे भैया जैसी, और खुद को युवा कहने वाले धक तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है, क्या बात है। चलो समय कम है, बातचीत चलती रहती। नहीं हार गए हैं तो बता दीजिए और निपटा सकती हूँ। मैं तो आपके सामने साष्टांग दंडवत करता हूँ और मैं हार गया हूँ, घर में भी हारा हूँ। अच्छा ये अपना किस्सा मुझे बता रहे थे, मैं बहुत जल्दी आ जा गई थी तो थोड़ा सा बात पारिवारिक बातचीत चल रही थी। ये बोले रजनी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने किससे परेशान हूँ? मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आप अकेले ही पीड़ित नहीं है? बोले एक किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ। मैंने कहा क्या किस्सा है? बोले रविवार का दिन था, मेरी पत्नी मुझे परेशान करने लगी, बोली मंदिर ले चलो। मैंने कहा अच्छा फिर आपने क्या कहा? बोले मैंने कहा बड़ी हिम्मत करके, हे देवी मुझे एक दिन मिला है आराम करने के लिए, मुझे आराम करने दे, मुझे मंदिर वंदिर नहीं जाना है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर बोले मानी नहीं। बोले मंदिर तो तुम्हें लेके चलूंगी, तुम आराम से चलते हो या खींच के लेके जाऊं? बेचारे भोले भाले तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। अब जैसे ही ये मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए, इनकी पत्नी ने कहा मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, आप मंदिर में दर्शन की कतार में लग जाइए। इन्होंने कहा ठीक है। चली गई इनकी पत्नी पूजा की थाल लेने और ये मंदिर में दर्शन की कतार में लग गए। जैसे ही ये मंदिर में दर्शन की कतार में लगे, इनके सामने आ गई एक सुंदर सी नारी। कौन आ गई? सुंदर सी नारी। और नारी को देखकर तो अच्छे अच्छे पुरुषों की हालत खराब। और ये उस नारी को देख के क्या गाने लगे, सुनिएगा। कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, खुल गया दिल का पुरजा पुरजा लगे है 85 झटके। झटके बड़े मन हो के गा रहे थे, पीछे से दुर्गा आ गई। दुर्गा समझ गए? हाँ क्यों नहीं समझेंगे, रोज सबके घर में मिलती है वो। पीछे से दुर्गा आ गई, बोले क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। अच्छा शादी के इतने साल हो गए, मुझे एक भी गीत भजन गा के नहीं सुनाया, ये कौन सा भजन गा रहे थे? तो मंदिर में आके भजन गा रहे हो? बोले हे देवी मैं भजन गा रहा था, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं भजन गाकर सुनाता हूँ। पत्नी ने कहा भजन तो तुम्हें गाना पड़ेगा। अब इन्होंने भजन गाना शुरू किया। किस तरह से इनकी बुद्धि जाग गई और इन्होंने किस तरह से यूटर्न लिया, इनके यूटर्न की दाद आपको देनी पड़ेगी। इन्होंने भजन गाना शुरू किया। कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, कमर पे चोटी लटके, कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके, जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई मैया जी को ध्यावे, मन नहीं उसका भटके। वाँ, वाँ, वाँ। बोलो जय। समझ गए? अच्छा आनंद आ रहा है आप सभी को? नहीं, पत्नी की जब जब बात होती है आनंद तो आपको आता भी वैसे भी।
लोग सोच रहे हैं कि आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, खड़ी रहो। उनका तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे लगता है यही सोच रहे हैं। मैं चार पंक्तियों में इनको निपटा, ये जब जब बीच में बोलेंगे ना, मैं चार चार पंक्तियों से इनको निपटा के चली जाऊंगी। मेरी भी दो बात सुन लीजिए कि मुझको तुमसे मौन अनुबंध चाहिए, प्रीत के मधुर संबंध चाहिए, कि तुम मेरी गीत गजल और रुबाई हो, शादी की शहनाई हो। अच्छा, हो गई शहनाई, अब मैं तबला बजा दूं, सुन लीजिए कि जो खुलकर मुस्कुराते हो खुदा का नूर लगते हो, जो खुलकर मुस्कुराते हो खुदा का नूर लगते हो, तुम बातों से मुझे बेहद शहद अंगूर लगते हो, तुम बातों से मुझे मीठे शहद अंगूर लगते हो, भला कैसे कोई लड़की तुम्हें अपना ये दिल दे दे, भला कैसे कोई लड़की तुम्हें अपना ये दिल दे दे, जरा जाकर के देखो आई ना लंगूर लगते हो। अच्छा, काम की बात तो आप सुनेंगे नहीं, और चार पंक्तियों में निपटाती हूँ उनको, सुन लीजिए। जब तक आप हार नहीं मानेंगे आपको निपटाते चली जाऊंगी मैं। भाई कितनी बार हार मनवाओगी, अभी घर भी जाना है। अच्छा हाँ। अभी पीछे बैठे बैठे बहुत हंस रहे थे, तब मैं चार पंक्तियों को कहती हूँ कि मेरे सर का दर्द बनो ना आधा तुम, मेरे सर का दर्द बनो ना आधा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम, गिर जाएंगे दांत हंसो ना ज्यादा तुम, जितने भी यहाँ मेरे उम्र के बैठे हैं, जितने भी यहाँ मेरे उम्र के बैठे हैं, मेरे उनके लगते सबके दादा तुम, मेरे उनके लगते सबके दादा तुम। और पीछे बैठे बैठे ये जो हंस रहे हैं ना, चार पंक्तियों में इनको दिल्ली तक पहुंचाती हूँ कि ज्यादा सोचोगे तो सवाल बन जाओगे, मोहब्बत के किस्सों के बवाल बन जाओगे, और यूं खांस खांस कर हमको इशारा ना करो, इतना खांसोगे तो केजरीवाल बन जाओगे। कब तक चलाना है? सुनो, चलिए बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। मुझे एक बात इनकी और याद आ गई, ये इतनी अपनी व्यस्तता बताते हैं, इतनी व्यस्तता अपनी बताते हैं। मैं जब जब फोन करती हूँ कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैंने कहा अच्छा सर, अभी मैंने दो दिन पहले इनको फोन किया, मैंने कहा सर मैं रजनी बोल रही हूँ, इन्होंने बात पूरी सुनने से पहले ही फोन रखने का प्रयास किया, बोले मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी मैं अमेरिका में हूँ, मैं काव्य पाठ के लिए बुलाया गया हूँ, मेरा कुछ एक मिनट में काव्य पाठ शुरू होने वाला है, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने अगले दिन फोन किया, मैंने कहा सर मैं रजनी बोल रही हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। बोले मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज मेरा लंदन में काव्य पाठ है और मेरा पाँच एक मिनट में काव्य पाठ शुरू होने वाला है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने तीसरे दिन फोन किया, इनकी पत्नी ने फोन उठाया, मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं? बोले बर्तन साफ। मैंने कहा फोन देना, इन्होंने फोन दे दिया। मैंने कहा हेलो सर मैं रजनी बोल रही हूँ, अरे आज मैं इटली में हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, काव्य पाठ होने वाला है मेरा। मैंने कहा आप इटली में हैं? बिल्कुल समझ रही हूँ आप इटली में हैं, मैं भी पाँच मिनट में आप गेट पे आ जाइए, मैं इटली के गेट पे ही खड़ी हूँ। तो इस तरह की अतिशोक्ति वाली बात बहुत कर जाते हैं। एक बार आप इनके लिए सम्मान में तालियां बजा देंगे तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँगी, सुनिएगा। ये वाला माइक यूज करती हूँ मैं, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, वो मुझे माइक दिक्कत दे रहा है। मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। अभी आदरणीय मेरी माता जी ने बेटियों की बात कही, मैं बेटियों के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गीत रखते हुए केवल अपना स्थान लेके जाऊँगी, क्योंकि अभी हमें शिखर तक पहुँचना है, उस शिखर तक पहुँचना है, उस शिखर को सुनना है, जिसे सुनने के बाद में आप महीनों सालों तक आनंद में रहेंगे। मैं केवल अपना कुछ एक समय लेकर के अपना गीत लेते हुए अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। बेटियों की बात अभी इन्होंने कही थी, मैं एक गीत पढ़ती हूँ, उससे पहले मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ, आपका ध्यान चाहूँगी। यहाँ बहुत सी बेटियाँ बैठी हैं और ये जिसके भी प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ आज घूम रहे हैं, ये बैठ जाएंगे तो अच्छा है, वरना भविष्य तो इनका बन जाएगा लेकिन ये वर्तमान हमारा खराब करेंगे।
मैं चार चार पंक्तियों जुड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा। बेटियां घोर अंधेरों में एक उजाला है। बेटियां क्या है? बेटियां घोर अंधेरों में एक उजाला है, बेटियां खुशियों भरी मोतियों की माला है, बेटियां प्रार्थना उपासना से पावन है, धन्य वो घर है जहाँ बेटियों को पाला है, धन्य वो घर है जहाँ बेटियों को पाला है। और यहीं से मेरा गीत निकल के आता है, वो गीत मैं आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत शुद्ध श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ मन का गीत आप सभी के बीच रखूँ, क्योंकि वो गीत इस आंगन के लिए बहुत ज़रूरी है, इस मंच के लिए बहुत ज़रूरी है। वो गीत पढ़ते हुए मैं अपना स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। अभी पिछले दिनों की बात है, लालू यादव जी को आप सभी जानते होंगे, वो बहुत गंभीर समस्या से, गंभीर परेशानी से गुजर रहे थे। लेकिन जब जब समस्या कोई आती है सामने, तो बेटियां समाधान बन के आती हैं। क्या बात है बेटा, वाह वाह, तब अच्छा, बेटियों के सम्मान में पढ़ती हूँ कि क्या उनको पीड़ा थी और किस तरह बेटी ने उनका ध्यान दिया, किस तरह बेटी ने उनका साथ दिया। तब मैं बेटियों के सम्मान में पढ़ती हूँ। कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां, लो कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां, लो अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है, अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है। कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां, लो अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है, अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है। सारी विपदाओं को पीड़ाओं को अब वो हर रही है, सारी विपदाओं को पीड़ाओं को अब वो हर रही है। रिक्त जो खुशियों की गागर लो वही अब भर रही है, जिसके आ जाने से कड़वे बोल बोले जा रहे थे, जिसके आ जाने से कड़वे बोल बोले जा रहे थे, लो वही बेटी अधर का गीत बन कर आ रही है, लो वही बेटी अधर का गीत बन कर आ रही है। कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां, लो अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है, अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है। माँ के आंसू और पिता के अनकहे भावों को समझे, माँ के आंसू और पिता के अनकहे भावों को समझे, लाख उससे तुम छुपा लो फिर भी सब घावों को समझे, लाख उससे तुम छिपा लो फिर भी सब घावों को समझे। है पराए घर ही दोनों, है पराए घर ही दोनों, फिर भी जाने क्या समझ कर दो कुलों की जिम्मेदारी कांधे पर बोला रही है, दो कुलों की जिम्मेदारी कांधे पर बोला रही है। कल तलक जो कोख में ही मर रही थी बेटियां, लो अब वही बेटी तुम्हारी जिंदगी लौटा रही है, जिंदगी लौटा रही है, जिंदगी लौटा रही है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, ना बस हो गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। चले ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। और मैं देख रही हूँ कि प्रथम पंक्ति में जो बैठे हुए हैं उनके सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ते हुए स्थान लेकर जाती हूँ अपना। जो रख दे हाथ सर पर तो ये जीवन खास होता है, पकड़ ले हाथ की उंगली तो एक विश्वास होता है। नहीं हो घर में धन दौलत मगर फिर भी अमीरी हो, नहीं हो घर में धन दौलत मगर फिर भी अमीरी हो। कि जिस घर में बुजुर्गों का सदा ही वास होता है, कि जिस घर ओ माइक वाले दादा। हेलो दोस्तों, समय का बहुत तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निपटारे में बहुत शकल हमारी 50 के जैसी। अच्छा, और मुझको बूढ़ा कहने वालों धत तुम्हारी ऐसी तैसी। जो देखती आशिक हो जाती, हाँ जो देखती आशिक हो जाती, गर्लफ्रेंड दर्जन भर है। अच्छा, गर्लफ्रेंड दर्जन भर है, और ये दादाजी को सबको मैं समर्पित कर रहा हूँ। हाँ। गर्लफ्रेंड दर्जन भर है, जोश वही जवानी जैसी। हाँ। और मुझको बूढ़ा कहने वालो दत्त तुम्हारी ऐसी तैसी। सज धज कर हीरोइन बन जाती। हाँ। सज धज कर हीरोइन बन जाती। अच्छा, खुशबू उसकी सांसों में है, सूरत उसकी परियों जैसी, और मुझको बूढ़ा कहने वालो दत्त तुम्हारी ऐसी तैसी। माइक तो पहले भी था आपके हाथ में। नहीं, पहले जोश नहीं था ना। हमारे चौक जोकला लारे भी सुन लो, थोड़ी फौजदार भी जा रहे हैं तो सम्मान कर देते हैं, चालू हो जाना। अच्छा जी, खाली सम्मान कर रहे हैं दोस्तों। बहुत हचपच मच रही है, प्रताप फौजदार जी हमारे जाना चाहते हैं, उनकी फ्लाइट है तो हम उनका सम्मान करना चाहते हैं जी। जोरदार तालियां से बहुत भाई प्रताप फौजदार जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, और हमारे निवेदन पर आए हम उनके आभारी हैं भाई प्रताप फौजदार जी। अरे यार इस सबके बीच में ही काले लंबे बाल है उसके, मैं गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूं दोस्तों, बुढ़ापे में काले लंबे बाल है उसके, अमीरों जैसे ठाठ है उसके, और वो है परियों जैसी, और मुझको बूढ़ा कहने वालों धत तुम्हारी ऐसी तैसी। दोस्तों कौन कहता है, मुझे मालूम था मेरे काव्य पाठ के समय में ये सब विदाई होगी। विदाई अच्छी होती है क्या? लेकिन अच्छा हुआ उनकी विदा हो गई, किसी दिन हमारी भी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ सीटी भी बज रही गर्लफ्रेंड पे, कुछ जवान बच्चे भी यहां आए हुए हैं, कि कौन कहता है बूढ़ों का दिल हिला नहीं होता, अरे आम देता नहीं है मजा जब तक पिलपिला नहीं होता, और बड़े रंगीन होते हैं हम जैसे बूढ़े, पर इन पर किसी को शक नहीं होता, पर इन पर किसी को शक नहीं होता। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि बूढ़े को बूढ़ा कहने में बड़ा मजा आता है। आप बताइए क्या पुराना कुकर सीटी नहीं बजाता है? चलिए, मेरे नसीब में इतना ही काव्य पाठ लिखा था, और वो
आगे बोलता, लेकिन आइए दोस्तों, जिनके लिए हम जमा हुए हैं और जिनका हम इंतजार कर रहे थे, मेरे बड़े भाई 35 सालों की जिनकी मेरी अपनी मित्रता है और हमारे साथ है 35 सालों से, मेरी भी उम्र सुरेन जी को लग जाए लेकिन संसार को हंसाने वाला ये देवता, ये बहुत बड़ा आदमी, ये फरिश्ता जिंदा रहे। जोरदार तालियों से एक बार फिर से सुरेंद्र शर्मा की, सुरेंद्र शर्मा की और गीतेश गीत की। हाँ अभी आवाज थोड़ी हो गई भाई, माइक कौन सा लेंगे? देखो इसमें सही है, ये ठीक है माइक, या नहीं थोड़ा, हेलो ये तो अभी बुरा है, हेलो ये ठीक है, हटा दे। अब ये इसके शर्मा जी आए और श्री घनश्याम अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। श्री मंगलेश्वरी माता मंदिर ट्रस्ट से सत्येंद्र शर्मा जी, रमेश गोदारा, नरेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा जी, प्लीज जरा जल्दी, ये इतने बड़े बड़े कलाकार, सामने आके प्लीज। इसके साथ में अजय श्रीवास्तव जी अगर आ गए हैं तो जितेश गीत जी का स्वागत इनकी खुद की च्वाइस पे श्री सुरेंद्र शर्मा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनका स्वागत करें। देख सकते हैं आज भी, कल भी और आने वाले समय में भी, कभी भी आप देख सकते हैं उसको। ये पवन भारद्वाज जी इसको लाइव चला रहे थे, बहुत ही अच्छी, तालियां जरा बजा दें तो अच्छा होगा। शर्मा जी को आप आइए आगे, शर्मा जी को इनको दीजिए भाई। आज का ये जो प्रोग्राम था एमिनेंस सोशल एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें आप सब लोगों ने इतनी अच्छी कविताएं और हास्य कवि जो विश्वविख्यात हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उनके साथ में श्री गीतेश गीते जी, श्री प्रताप सिंह फौजदार जी, अवनी सिंह रजनी जी, श्री रवि रश्मि अनुभूति जी और श्री घनश्याम अग्रवाल जी, इन सब ने समा बांधा है। और अभी हम एक आधा घंटे का एक प्रोग्राम फिर से इसमें शुरू करेंगे। तो 75वां स्वतंत्रता महोत्सव मना रहा है और मैं एक रचना तिरंगे पर पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना तो बहुत था मुझे, कि घर घर तिरंगा लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा है ये संदेश बताएगा, तिरंगे का अपमान करने वालों, भारत विरोधी नारे लगाने वालों, घर घर तिरंगा लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा है ये संदेश बताएगा। कश्मीर में धारा 370 हटने का विरोध करने वालों, आतंकवादियों को शरण देने वालों, पत्थरबाजों, नमक हरामों, गद्दारों, घर घर तिरंगा लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा है ये संदेश
बताएगा। अगर देश के सम्मान में तालियां बजानी है तो तंबाकू मत बनाइए, जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। घर घर तिरंगा लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा है। भारत माता की जय नहीं बोलने वालों, तिरंगे का अपमान करने वालों, मेरे सैनिकों को रेपिस्ट बताने वालों, तुम्हारे छाती पर तिरंगा गाड़ा जाएगा। घर घर तिरंगा लहराएगा, हिंदुस्तान हमारा है, ये संदेश बताएगा। बोलिए वंदे भारत माता की जय हो। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं जितेश जी, कि जिन बच्चों ने यहां पे स्टेज पे पहले सरस्वती वंदना गा के प्रोग्राम की शुरुआत की थी, अगर वो बच्चे यहां पे हैं तो आए, उनका अपना इनाम लेके जाएं। जिन बच्चों ने आए जल्दी से। इस बीच में मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, 6 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है खारघर में। खारघर में डी मार्ट के सामने जो बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड है, वहाँ पे बालाजी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भजन संध्या है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, जिसमें भजन गायक विकास दुआ और अंजलि दुआ जी आके बाबा के भजन गाएंगे। और आप सब से बजरंगबली के भक्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सहपरिवार वहाँ पर आएँ। 6 अप्रैल 2023 हनुमान जयंती खारघर डी मार्ट के सामने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। अवनी सिंह रजनी जी, लगा आपने तालियों से, आप मुझे बता दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा समय आपके बीच नहीं लूँगी क्योंकि कवि सम्मेलन तो देखा जाए पूरी तरह हो चुका है, लेकिन ये जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, कविता सुनने वाले केवल यही बचे हैं, बाकी तो सब अपनी अपनी देखने वाली आ रखी थी। यहाँ आप देख रहे हैं मैं अभी तक इतने बजे तक महिला शक्ति यहाँ बैठी है। अच्छा, अभी हमने 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण मनाया, महिला दिवस मनाया हमने। साहब अब जमाना बहुत बदल गया है, अब महिला को कहा करते थे अबला अबला अबला, वो समय क्या था मैं आपको बताती हूँ। वो समय था जब पति की सैलरी आया करती थी, तब पत्नी अपने पति से बोला करती थी, मुझे सिंदूर लाली लिपस्टिक के लिए कुछ पैसे दे दे, तो बोला करती थी अबला अबला अबला। अब समय बदल गया है, महिलाएं नौकरी करती हैं लेकिन फिर भी पुरुषों का खून चूसती हैं। अब जैसे ही महीने की सराय बोलती हैं सबला। समझ में आ गई बात आपको, तो तालियां बजा दीजिए। महिलाओं के सम्मान में, इन सबलाओं के सम्मान में तालियां तो होनी चाहिए ना। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम की पूरी की ऐसी तैसी हो गई लेकिन फिर भी मुझे खड़ा कर दिया गया है, कह रहे हैं कि अभी जो थोड़ी बहुत बची है वो भी कर दो। चलिए, फिर भी अभी 4 अंतिम जो पंक्तियां इस मंच से पढ़ी गई, आदरणीय गीतेश गीत जी ने जो पंक्तियां पढ़ी हैं, मैं उन्हीं पंक्तियों पर अपना गीत रखती हूँ, अपनी बात रखती हूँ। यदि इस मंच से वो गीत नहीं होता है तो मुझे लगता है ये कवि सम्मेलन का समापन कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ हम प्रेम की बात करते हैं, जहाँ हम बुजुर्गों के सम्मान की बात करते हैं, जहाँ हम बेटियों के मान की बात करते हैं, वहाँ यदि हमने तिरंगे के सम्मान में, अपने देश के सम्मान में 4 पंक्तियाँ नहीं पढ़ी तो कवि सम्मेलन अधूरा है। तब मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और एक गीत पढ़ती हूँ अपना, सुनिएगा। आओ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं, 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 अपने घर की चौखट पर एक दीप जलाएं, आओ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं। आज़ादी के सम्मान में तालियां बहुत कम नहीं है, मैं चाहती हूँ पूरे सदन की तालियां मिले कि आओ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं, आओ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएं,
आओ मिलकर आजादी का जश्न मनाए, अपने घर की चौखट पर एक दीप जलाए। आओ मिलकर आजादी का जश्न मनाए। और दीप जलाकर क्या करना चाहिए हमको, मैं पंक्तियां करती हूँ कि दीप जलाकर आजादी के परवानों को नमन करें, दीप जलाकर आजादी के परवानों को नमन करें, जिनकी जय जयकार सदा यह धरती पर्वत गगन करे, जिनकी जय जयकार सदा यह धरती पर्वत गगन करे। वीरों के बलिदानों को हम भूल न पाए, वीरों के बलिदानों को हम भूल न पाए। अपने घर की चौखट पर एक दीप जलाए। आओ मिलकर आजादी का जश्न मनाए। और तिरंगे के सम्मान में कुछ पढ़ती हूँ कि तीन रंग से सजा तिरंगा लहर लहर लहराता है, तीन रंग से सजा तिरंगा लहर लहर लहराता है। देख नजारा देश प्रेम का मन गर्वित हो जाता है, देख नजारा देश प्रेम का मन गर्वित हो जाता है। जय जय हिंदुस्तान गा रही चहू दिशाएं, जय जय हिंदुस्तान गा रही चहू दिशाएं। आओ मिलकर आजादी का जश्न मनाएं, आओ मिलकर आजादी का जश्न मनाएं। और माटी के सम्मान में पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यह पुनीत पावन वो धरा जहाँ कण कण में भगवान बसे, यह पुनीत पावन वो धरा जहाँ कण कण में भगवान बसे। मन भारत माता का मंदिर दिल में हिंदुस्तान बसे, मन भारत माता का मंदिर दिल में हिंदुस्तान बसे। हम ललाट पर इस माटी का तिलक लगाए, हम ललाट पर। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। दोस्तों, समय की सीमा है, हमें जो परमिशन मिली थी उसके अंतर्गत हम समापन करते हैं कार्यक्रम का।